टीकमगढ़ में जहां लोगों ने देश की आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाई, वहीं शहीदों को समर्पित जय स्तंभ की सुध लेने वाला अब कोई नहीं है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जय स्तंभ की हालत तो वैसी की ही वैसी है। यह जय स्तंभ अब शराबियों और अनैतिक कार्य करने वालों का अड्डा बन गया है। देश को आजादी कुर्बानियां देकर मिली है, लेकिन जिन शहीदों की वजह से आजादी मिली है उनके प्रतीक की तरफ ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की अनदेखी के चलते टीकमगढ़ की शान कहे जाने वाले 100 साल से भी अधिक पुराना जय स्तंभ चौक अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। राष्ट्रवाद का नारा लगाने वाली पार्टियां और इसके जनप्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जय स्तंभ के हालात इतने खराब हैं कि चौक के आसपास शराब की बोतलें होती हैं, घास फूस उग गए हैं, वाहन खड़े करने का अड्डा बन चुका है। कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस पर रंग रोगन और लाइटिंग की जाती थी, लेकिन अब यह अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत पुराना है, लगभग 100 वर्ष पुराना जय स्तंभ है और यहाँ पे विगत वर्षों से लगभग 5 वर्षों से ना तो इसकी डेंटिंग पेंटिंग की गई है और ना ही प्रशासन द्वारा इसको कोई ध्यान दिया जा रहा है, जबकि देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसके बावजूद प्रशासन अनदेखी करते हुए एक शहीद स्तंभ को जो है दरकिनार करके कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया, यहाँ ध्वजारोहण किया गया है, जबकि इससे पूर्व में यहाँ सब चीजें की जाती थी। देखा है हमने तो बहुत दिन पुराना, 100 साल से देखा है कि अच्छा बड़ा था, सुंदर था, अब इसकी कोई देख रेख नहीं है, गंदगी है, ध्वजारोहण नहीं किया है, अब शासन उसका कोई ध्यान नहीं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।